जो हम टॉपिक पे बातचीत करेंगे वो है पैरालिसिस, है ना। पैरालिसिस यानी कि जिसको हिंदी में अधरंग भी कहा जाता है। पैरालिसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल खो देते हैं। जैसे मैं अपने हाथ को अपनी मर्जी से ऊपर कर सकता हूँ, नीचे कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं भाग सकता हूँ, मैं खड़े हो सकता हूँ, क्योंकि मेरा अपनी बॉडी पर कंट्रोल है। मैं अपने शरीर की मांसपेशियों का, अपने शरीर के ऑर्गन्स का, अपने शरीर के पार्ट का अपनी इच्छा अनुसार इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं जब चाहूँ बैठ सकता हूँ, जब चाहे उठ सकता हूँ, जब चाहे हाथ उठा सकता हूँ, जब नीचे रख कर सकता हूँ, यानी कि मेरा मेरी बॉडी पर कंट्रोल है। लेकिन जब आपका आपकी बॉडी पर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, आपका शरीर का कोई ना कोई भाग आपके कंट्रोल से आउट हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम पैरालिसिस कह सकते हैं। अब ये पैरालिसिस जरूरी नहीं है कि आपके आधे हिस्से में हो, आपके किसी भी हिस्से में अगर पैरालिसिस है तो वो पैरालिसिस ही होगा। यानी कि हो सकता है केवल मेरे एक हाथ काम ना कर रहा हो सकता है मेरा राइट हैंड काम ना कर रहा हो सकता है किसी पेशेंट का लेफ्ट पैर काम ना कर रहा हो सकता है किसी पेशेंट का राइट पैर काम ना कर रहा हो, ये भी हो सकता है कि दोनों पैर काम नहीं कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कि दोनों हाथ काम नहीं कर रहे हैं, और इसमें ये भी हो सकता है कि एक हाथ और एक पैर काम नहीं कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कि ना हाथ काम कर रहे हैं ना पैर काम कर रहे हैं, केवल आपका फेस, आपका ऊपर का हिस्सा काम कर रहा है। तो ये अलग अलग टाइप के, अलग अलग डिपेंड करता है हिस्से के ऊपर। तो आपके शरीर में कौन सा हिस्सा डिफेक्ट हो गया है, क्या केवल एक पैर डिफेक्टेड है, दोनों पैर डिफेक्टेड हैं, दोनों हाथ डिफेक्टेड हैं, एक पैर डिफेक्टेड है, उसके आधार पर हम इसको अलग अलग कैटेगरी में रख देते हैं। तो इसमें कभी किसी को हम सेमी पैरालिसिस कहते हैं, किसी को क्वाड्रिक पैरालिसिस कहते हैं, क्वाड्रिक प्लेजिया कहते हैं, या किसी को क्वाड्रिप्लीजिया या हेमिप्लीजिया या सेमी प्लीजिया, इस तरीके के अलग 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 उस हिस्से के आधार पर इनको हम कैटेगराइज कर देते हैं कि पूरे में है या आधे में है या एक ही पैर में है या एक ही हाथ में है, है ना। तो उस कैटेगरी में हम इसको रख देते हैं। यानी कि हमारे शरीर के अंगों का हमारी इच्छा अनुसार काम ना करना आपके उस अंग का पैरालिसिस है। मैं हाथ को उठाना चाह रहा हूं लेकिन उठ नहीं रहा है, मैं हाथ को पीछे करना चाह रहा हूं पीछे नहीं हो रहा है, तो ये सब आपके शरीर का अपने ऊपर कंट्रोल खत्म हो जाना, यानी कि आपका अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल खत्म होना पैरालिसिस कहलाता है। किसी भी हिस्से में हो सकता है, पूरे शरीर में हो सकता है, चारों आपके हाथ पैरों में भी हो सकता है, किसी एक में भी हो सकता है, और इवन आपके जवान का यानी कि आपकी स्पीच का जाना भी पैरालिसिस हो सकता है। यानी कि आपकी जवान यानी कि आपकी टंग, आपकी जीभ आपकी इच्छा अनुसार वो मूवमेंट नहीं कर रही, क्योंकि जब भी आप कुछ बोलते हैं तो आपकी जवान मूवमेंट करती है, घूमती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, दाएं जाती है, बाएं जाती है, तो वो मूवमेंट नहीं हो रही है, हमारी इच्छा अनुसार हम नहीं बोल पा रहे हैं, और वो वर्ड्स आपका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, तो वो आपका स्पीच पैरालिसिस होगा। फेस पर भी हो सकता है, फेस का आधा हिस्सा एक तरफ सुकड़ जाता है, एक आधा हिस्सा नॉर्मल है, यानी कि फेस की मांसपेशियां एक तरफ चली जाती हैं और ये पूरा का पूरा आधा चेहरा टेढ़ा हो जाता है, इसको हम फेशियल पैरालिसिस के नाम से या वेल पाल्सी के नाम से भी जानते हैं। तो अलग अलग पार्ट पर जहां जैसा होगा उस आधार पर इसका नाम रख दिया जाता है। इसके कारण क्या है यानी कॉज क्या है, इसके कारणों में बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे आपने एक कारण तो सुना ही होगा, मेन जो कारण है कि हाई बीपी की वजह से पैरालिसिस हो गया। एक्चुअली होता क्या है कि हमारा जो भी शरीर की मूवमेंट है, मैं बोल रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, चल रहा हूं, हाथों की मूवमेंट कर रहा हूं, ये सब कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन से कंट्रोल है। ब्रेन हमारी बॉडी का स्विच बोर्ड है, मेन ट्रांसफार्मर है, वहां से पूरे शरीर के स्विच अलग 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 लगे हुए हैं। तो ऐसे हमारे शरीर के अंदर जितने भी पार्ट हैं उन सब का स्विच बोर्ड यानी कि एक स्विच जो है वो ब्रेन के अंदर है। वो स्विच अगर खराब हो जाएगा तो वो पार्ट काम करना बंद कर देगा,
तो मेरे बोलने का, मेरे सुनने का, मेरे सूंघने का, स्मेल का, टेस्ट का, देखने का, इन सब का कहीं ना कहीं एक सेंटर हमारे ब्रेन के अंदर है। अब वो ब्रेन के अंदर अगर वो जो सेंटर है, जो स्विच है, अगर वो खराब हो जाए तो वो पार्ट डैमेज हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं काम करना बंद कर देगा। जैसे मेरे ब्रेन में स्मेल को पहचानने वाला सेंटर है, अगर उस सेंटर में खराबी आ गई तो मुझे स्मेल ही नहीं आएगी। अब जबकि नाक मेरी बिल्कुल ठीक है, मेरे रिसेप्टर्स बिल्कुल ठीक है, मेरी ऑल्फैक्टरी नर्व बिल्कुल ठीक है, लेकिन ब्रेन में उस स्मेल को पहचानने का जो सेंटर है वो सेंटर खराब हो गया, वो डैमेज हो गया, तो मुझे स्मेल नहीं आएगी, है ना। तो ब्रेन हमारी पूरी बॉडी का एक जो है वो आपका सेंटर पॉइंट है, यानी कि वहां से सारी चीजों को कंट्रोल किया जाता है। और जिस हिस्से में डैमेज हो जाएगा, जिस हिस्से में कोई कमी आ जाएगी, वो हिस्सा जो भी काम करता होगा वो काम करना बंद हो जाएगा। आंखों रोशनी भी जा सकती है, यानी कि ब्रेन के द्वारा ही आप देखते हैं, यानी कि अगर ब्रेन के उस हिस्से में जिसको विजुअल एरिया कहा जाता है, जिसके आधार पर आपको दिखता है, अगर सिर में चोट लग जाए तो विजुअल एरिया भी डैमेज हो सकता है और आपको आंखें खराब हो सकती हैं। जबकि आंखों की पुतली बिल्कुल ठीक है, आपका जो कैटरेक्ट है यानी कि कोई ऐसी समस्या नहीं है, यानी कि आपका रेटिना बिल्कुल ठीक है, आपके पर्दे बिल्कुल ठीक है आंखों के, लेकिन ब्रेन जहां पर इमेज बनती है और ब्रेन आइडेंटिफाई करता है कि आप क्या देख रहे हैं, अगर उस पर आपका कोई इंजरी हो गई है तो आपको दिखना बंद हो सकता है। तो पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के सारे पॉइंट जो हैं वो हमारे ब्रेन के अंदर हैं। अब उसमें कारण क्या है, तो हाई बीपी हो सकता है। अब हाई बीपी से कैसा पैरालिसिस होगा, तो हाई बीपी में कैसे होता है, बीपी क्या है, हमारे आर्टरीज के अंदर, वेन्स के अंदर ब्लड के फ्लो होने का प्रेशर है, यानी कि जिस प्रेशर से हमारे ब्लड के अंदर, यानी कि हमारी आर्टरीज के अंदर ब्लड का फ्लो हो रहा है उसको हम बीपी कहते हैं, है ना। तो ब्लड फ्लो इन आवर आर्टरीज और वेन्स, है ना, वो हमारा वो जो मानक है, जो मेजरमेंट है, वो हमारा ब्लड प्रेशर है। अब ये ब्लड प्रेशर किसी कोई पाइप है, किसी पाइप के अंदर कोई प्रेशर से पानी बह रहा है ना, किसी अगर उसका प्रेशर बढ़ जाए तो वो पाइप जो है वो फट सकता है। जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर हम एक लिमिट में ही गैस भर सकते हैं, उसके अंदर अगर हम जबरदस्ती भरने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, सिलेंडर फट सकता है, है ना। और हमारी कैपिलरीज तो बहुत बारीक हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, ब्लड की कैपिलरीज तो बहुत बारीक हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, तो जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, उस प्रेशर यानी कि जिस फ्लो से वो घूम रहा है, तो वो आर्टरीज, वो वेन्स, वो वेन्यूल्स, वो कैपिलरीज फट सकती हैं, और फटने से क्या होगा, अंदर का ब्लड बाहर निकल आएगा, और बाहर निकलने से क्या होगा, वो आसपास के एरिया में जमा हो जाएगा, है ना। जैसे आपने देखा होगा रास्ते में कभी आप जा रहे हैं तो कोई पाइपलाइन फट जाती है रास्ते में, है ना, तो पाइपलाइन फटने से क्या होगा, वो चारों तरफ पानी पानी हो जाता है, तो लोग वहां पर क्या है, ट्रैफिक हो जाता है, वहां क्या होता है, लोग बच के निकलते हैं। और उस पाइपलाइन के फटने से न केवल पाइपलाइन फटी है, एक तो डैमेज वो हुआ, दूसरा जो पानी वहां जमा हो गया, अब उसकी वजह से क्या हुआ, ट्रैफिक हो गया, उसकी वजह से क्या, जो एक रोड जो चलती फिरती थी जहां पर लोग स्पीड से जा रहे हैं, अब वहां पर पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम हो गया, और उस पाइपलाइन के फटने से अब घंटों जाम लग गया, क्योंकि हर व्यक्ति क्या कि बचकर निकलना चाह रहा है, हर व्यक्ति क्या कि अपनी गाड़ी को बचकर निकालता कि कहीं कुछ और गड्ढा ना हो अंदर। तो इस वजह से भी हमारे शरीर के अंदर जैसे हमारी कैपिलरीज फटती है, ब्लड बाहर आता है, तो उसमें भी जाम हो जाता है और आगे का ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और वो पार्ट डैमेज हो जाएगा। यानी कि हमारे हाई बीपी की वजह से हमारे ब्रेन के अंदर हमारी आर्टरियोल्स, हमारी कैपिलरीज फट जाती हैं, और फटने से क्या होगा, ब्लड बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने की वजह से वो आसपास के एरिया को भी डैमेज कर देगा, और जहां पर ब्लड जमेगा वो एरिया पूरा का पूरा जाम हो जाएगा, आगे की ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, और जिस पार्ट की ब्लड सप्लाई रुकेगी वो पार्ट हमारा काम करना बंद कर देगा। तो यानी कि हाई बीपी की वजह से पैरालिसिस हो सकता है। अब वो ज्यादातर एरिया कौन सा है, वो सेरेब्रल का एरिया है। सेरेब्रम के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गन, ऐसे पार्ट हैं छोटे छोटे जो हमारी पूरी बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो हाथ का एरिया होगा, अगर हाथ के एरिया में सर्कुलेशन रुक गया तो हाथ काम करना बंद कर देगा।
इस हाथ के एरिया में सर्कुलेशन रुक गया तो ये हाथ काम करना बंद कर देगा। अगर दोनों पैरों को कंट्रोल करने वाला एरिया जाम हो गया तो वहां दोनों पैरों में सर्कुलेशन रुक जाएगा और आपका दोनों पैर काम करने बंद कर देंगे। तो हाई बीपी की वजह से पैरालिसिस हो सकता है और हाई बीपी की वजह से नस फटती है और फटने से वहां पर ब्लड का फ्लो वहीं पर जाम हो जाता है, ब्लड के थक्के जमा हो जाते हैं और वो आगे के सर्कुलेशन को रोक देते हैं। इसलिए लोगों को कहा जाता है कि अगर आपको हाई बीपी है तो आपको मेडिसिन लेनी चाहिए, क्योंकि तो अगर किसी दिन जरूरत से ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया तो वो पैरालिसिस कभी भी हो सकता है, यानी कि आपके इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। इंटरनल ब्लीडिंग का मतलब जो ब्लीडिंग आपको दिखाई नहीं देती है, जो ब्लीडिंग आपको महसूस नहीं होती है लेकिन वो अपना असर करती है, इसको बोलते हैं हम इंटरनल ब्लीडिंग। अब ब्लड बाहर तो नहीं निकला लेकिन वो अंदर जमा हो गया, उसको हम कैसे देखेंगे, हम सीटी स्कैन कराते हैं। सीटी स्कैन में वो खोपड़ी की इमेज बनकर आती है और वहां पर काला काला सा धब्बा बन जाता है, यानी कि उतना एरिया अब डैमेज आपका हो गया है। तो पैरालिसिस का एक मुख्य कारण क्या है, हाई बीपी का होना है। तो हाई बीपी के पेशेंट को बड़ा सचेत रहना चाहिए, जो लोग मेडिसिन लेते हैं बीपी की उन लोगों को अपना बीपी रेगुलर बेस में रूटीन चेकअप के रूप में चेक करते रहना चाहिए और मेडिसिन तभी छोड़नी चाहिए जब आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई दूसरा ट्रीटमेंट करा रहे हैं और उस ट्रीटमेंट से आपका बीपी कंट्रोल हो रहे हैं। आपने ट्रीटमेंट करा नहीं रहे, परहेज कर नहीं रहे और बीपी की मेडिसिन भी छोड़ दी तो बीपी शूटअप हो सकता है और वो आपको डैमेज कर सकता है। क्लॉटिंग की वजह से होना, जिसको हम हेमरेज कहते हैं, है ना, इसको हम हेमरेज भी कहते हैं, यानी कि किसी नर्व का डैमेज हो जाना, नस फट जाना, वहां पर इंटरनल ब्लीडिंग होना, ये हमारे हेमरेज कहलाएगा, है ना। इनफार्क्ट का मतलब आपका क्लॉटिंग होना, इनफार्क्ट का मतलब है कि बॉडी के अंदर क्लॉट बनते हैं और बिगड़ते हैं, बॉडी के अंदर हमारे क्लॉट बनते हैं बिगड़ते हैं। कोई क्लॉट बना और वो डिजॉल्व नहीं हो पाया और वो अपना साइज, इतना बड़ा क्लॉट था, वो छोटा सा क्लॉट बना और वो हमारे गलती से ब्रेन के आर्टरीज में चला गया। तो ब्रेन के आर्टरीज जो हैं, जो आर्ट्रियोल्स हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, हमारी नसें तो यहाँ दिखाई देती हैं आपको, ये वेन दिखाई दे रही है आपको लेकिन ब्रेन की दिखाई नहीं देगी आपको, क्योंकि आपकी बॉडी की इतनी मोटी होगी तो ब्रेन की आपकी आर्टरीज इतनी मोटी होगी, बहुत पतली होती हैं, बहुत बारीक बारीक होती हैं। कोई छोटा मोटा क्लॉट यहाँ तो घूम जाएगा, यहाँ तो चला जाएगा, उसे कोई दिक्कत नहीं लगेगी, लेकिन अगर यही क्लॉट गलती से इस हिस्से में पहुंच गया, मान लो ये क्लॉट है तो यहाँ तो इसे कोई डैमेज नहीं करेगा, ये आगे बढ़ जाएगा, पूरा घूमता रहेगा, लेकिन ये गलती से अगर यहाँ चला गया तो, इस हिस्से में चला गया तो ये क्लॉट बड़ा है और यह जाकर फंस जाएगा, फंस जाएगा। तो फंसने से क्या होगा, ये अगर अंदर फंस गया तो ये आगे की ब्लड सप्लाई को रोक देगा, है ना। अब यहां से ये इसके अंदर फंस गया, ये आगे फंस गया तो आगे ब्लड सप्लाई तो जाएगी नहीं, तो ये हमारे क्लॉट की वजह से होने वाला पैरालिसिस है, यानी कि हमारे ब्रेन की जो कैपिलरीज हैं बहुत पतली हैं, बहुत माइनर हैं, बहुत छोटी छोटी हैं, तो उनके अंदर कोई बाहर का क्लॉट, हमारी बॉडी का क्लॉट अगर हमारे ब्रेन के अंदर चला गया तो वो फंस जाता है और वहां पर वो आगे की ब्लड सप्लाई को रोक देता है और जिस हिस्से की ब्लड सप्लाई रुकेगी वो हिस्सा काम करना बंद कर देगा। तो यहाँ पर ये अचानक से होने वाला पैरालिसिस है, यानी कि आदमी बिल्कुल स्वस्थ है, आदमी को कोई दिक्कत नहीं है, कुछ तरीके की उसे सिम्टम्स नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, लेकिन अचानक से उसे पैरालिसिस का अटैक हो गया। तो ये ज़्यादातर जो अचानक से आता है, जो बिना किसी वजह से आता है, जो पता भी नहीं चलता, वो ज़्यादातर क्या होता है, वो क्लॉटिंग की वजह से होने वाला पैरालिसिस है ना, वो क्लॉटिंग की वजह से है, क्योंकि बॉडी का नेचर क्लॉट बनाना है, उसे डिजॉल्व करना है और गलती से वो डिजॉल्व नहीं हुआ तो वो आपके ब्रेन के एरिया में जाकर अटक सकता है। वैसे तो वो बहुत फिल्टर होके जाता है, फिल्टर होके जाता है ब्लड हमारे ब्रेन के अंदर, लेकिन कई बार किसी वजह से, किसी ना किसी गड़बड़ी से अगर वो फिल्टर नहीं हो पाया और फिल्ट्रेशन में भी वो क्लॉट चला गया तो वो फिर आपके ब्रेन को डैमेज करता है। इसको हम क्या कहते हैं, इनफार्क्ट का पैरालिसिस कहते हैं। तो ये हमारा दूसरा कारण ब्लड क्लॉटिंग की वजह से होने वाला पैरालिसिस है। खासतौर से डॉक्टर इसमें खून पतला करने वाली मेडिसिन देते हैं, जो लोग खून को थिन करने वाला, ब्लड को थिनर करने वाली जो मेडिसिन हैं उनका इस्तेमाल इस
बीमारी में हम करते हैं। तीसरा कारण हो सकता है विटामिन्स की डेफिशिएंसी, यानी कि विटामिन्स की डेफिशिएंसी से हमारे को पैरालिसिस हो सकता है। तो ये ड्यू टू नर्व वीकनेस की वजह से होगा, ड्यू टू नर्व वीकनेस की वजह से होगा। इसमें अगर हम समझें, इसमें अगर हम देखें तो विटामिन्स की डेफिशिएंसी से क्या होगा, क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम को बनाने के लिए विटामिन्स की आवश्यकता है, फॉलिक एसिड, थायमिन, नियासिन, है ना, बहुत सारे विटामिन्स हमारे नर्वस सिस्टम को बनाते हैं, नर्व को मजबूत बनाते हैं, तो उनके फॉर्मेशन, उनको मजबूत करने के लिए हमें विटामिन्स की ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विटामिन्स नहीं खा रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी आर्टरीज, उसकी वेन्स, है ना, वो वीक होती चली जाएंगी, और वीक होने पर उनमें सर्कुलेशन भी कम हो सकता है, उनमें उतना दबाव नहीं होगा कि ब्लड का फ्लो ठीक हो पाए। तो हमारे लैक ऑफ विटामिन्स भी हमारे ये पैरालिसिस का कारण बनते हैं। इसमें शुरुआती दौर में पहले सुनपन आना शुरू होता है, धीरे धीरे झंझनाहट होनी शुरू होती है, चीटी चीटी सी काटने लगती है, और धीरे धीरे वहाँ पर वो पार धीरे धीरे सुन्न होने लग जाता है, वहाँ सेंसेशन खत्म होती चली जाती है, और टाइम ऐसा आता है कि अब आपका कंट्रोल उस पार्ट से हट जाता है। तो ये धीरे धीरे होगा, ये कभी भी एक साथ नहीं होगा, जैसे वो तो आपका एक साथ हो गया ब्रेन में वाला, है ना, लेकिन ये वाला जो लैक ऑफ विटामिन्स है ये धीरे धीरे आपको महसूस होगा, धीरे धीरे इसके सिम्टम्स आएंगे, आपको झंझनाहट होने लग जाएगी, चीटी चीटी सी काटने लग जाएगी, जलन होने लग जाएगी शरीर के अंदर, और वो पार्ट कहीं ना कहीं सुन्न होना शुरू हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे ग्रेजुअली ये पैरालिसिस आपको बढ़ता चला जाएगा। चौथा है विद डायबिटीज की वजह से लैक ऑफ, यानी कि आपको एक्सेस ग्लूकोज की वजह से, यानी कि ज्यादा ग्लूकोज होने की वजह से, ग्लूकोज क्या है कि ये आपके ब्लड को थिक करने का काम करता है, यानी कि गाढ़ा करने का काम करता है। तो जब वो गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, तो उसके फ्लो में भी दिक्कत आएगी, और डायबिटीज़ की वजह से, शुगर की वजह से आपकी जो आर्टरीज हैं वो भी वीक होती हैं, वो भी कमज़ोर होती चली जाती हैं। तो डायबिटीज़ दो तरीके से आपको पैरालिसिस का कारण बनता है, पहला वो ब्लड को थिक करता है, गाढ़ा करता है, और दूसरा वो आर्टरीज, यानी कि जिन के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है उन दीवारों को भी कमज़ोर कर देता है। तो धीरे धीरे इसको हम न्यूरोपैथी डायबिटिक कहते हैं, यानी कि पैरालिसिस कहते हैं, न्यूरोपैथी हो जाना, न्यूरोपैथी हो जाना, जैसे खास तौर से शोल्डर में खास तौर से होता है कि आदमी कंधा जाम हो जाता है, कंधा उठा नहीं पाता है, ऐसे आधा अधूरा उठता है, तो न्यूरोपैथी यानी कि डायबिटीज की वजह से, एक्सेस यानी कि ज़्यादा डायबिटीज की वजह से, शुगर अनकंट्रोल होने की वजह से अब उसके न्यूरॉन्स के सिस्टम, उसका नर्वस सिस्टम वीक होने लग जाता है, याददाश्त कमज़ोर होने लग जाती है, यूरिन की प्रॉब्लम होने लग जाती है, नसें कमज़ोर होती हैं, सुनपन आने लग जाता है, झंझनाहट आती है, और वो कहीं ना कहीं आपके लिए पैरालिसिस का कारण भी बन सकता है। और इसको हम न्यूरोपैथी पैरालिसिस कहेंगे, यानी कि न्यूरॉन्स के डैमेज होने की वजह से, कमज़ोर होने की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से कमज़ोर हुई है और वो पैरालिसिस का कारण बन जाता है। पाँचवा कारण हो सकता है एक्सीडेंटल, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अचानक से एक्सीडेंट हुआ, सिर में चोट लगी, और उसकी वजह से आपका सिर का वो एरिया जो किसी पार्ट को कंट्रोल कर रहा था उसमें चोट लग गई, या स्पाइन में चोट लग गई, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा ब्रेन इसका स्विच बोर्ड मेन है, उसके बाद इससे आर्टरीज निकलती हैं, उससे नर्व निकलती है, और नर्व के थ्रू हमारी पूरी बॉडी कंट्रोल होती है। तो स्पाइन से नर्व निकलती हैं और वो हमारे पार्ट को कंट्रोल करती हैं। तो एक्सीडेंट, अगर आपकी स्पाइन में कोई चोट लग गई, कोई नर्व डैमेज हो गई, कोई नर्व कट गई, टूट गई, तो उसकी वजह से आगे का सेंसेशन खत्म हो जाता है। तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कमर में चोट लगने से, इंजरी होने से आपके यूरिन का सेंसेशन, आपके मोशन का सेंसेशन खत्म हो जाता है, और बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे हैं कि पैर का सेंसेशन खत्म हो जाता है कमर में चोट लगने से। ब्रेन में कुछ नहीं हुआ, ना डायबिटीज है, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से कमर में इंजरी हुई, और इंजरी होने से उसका नर्व डैमेज हो गई और पैर दोनों काम करना बंद कर देते हैं। तो ये आपका कारण बन सकता है, आपका पैरालिसिस का कारण है एक्सीडेंटल, यानी कि इंजरी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, चोट लगने की वजह से आपका शरीर पैरालिसिस की कंडीशन में जा सकता है। ट्यूमर भी है। ट्यूमर क्या है कि आपके ब्रेन के अंदर कोई गांठ डेवलप हो रही है, और वो गांठ जब डेवलप होगी, यानी कोई क्लॉट डेवलप होगा, कोई ऐसा सेल डेवलप होगी, और वो अपने साइज को बढ़ाती चली जाती है, तो कहीं ना कहीं आसपास के एरिया को वो कंप्रेस करती है, दबाव देती है। तो वो एरिया कौन सा कंप्रेस हुआ, कौन सा दबाव हुआ, कौन सा उसमें
क्लॉटिंग की वजह से, यानी कि वो पार्ट जो ट्यूमर डेवलप होता जा रहा है, गांठ डेवलप होती जा रही है, तो उसके डेवलप होने से आसपास की मांसपेशियों में जो सेल है वो डैमेज होते हैं, वो पार्ट डैमेज होता है और उसकी वजह से भी पैरालिसिस हो सकता है। बहुत सारे लोगों को ये कहा जाता है कि ट्यूमर का ऑपरेशन आपको करा लेना चाहिए, ट्यूमर निकलवा देना चाहिए, नहीं तो आपको पैरालिसिस हो सकता है, क्योंकि उसके बढ़ते रहने से क्या होगा कि शरीर का वो हिस्सा डैमेज हो सकता है, कि ब्रेन का वो हिस्सा डैमेज हो जाएगा जो कहीं ना कहीं हमारे हाथ पैर को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि शरीर ब्रेन के अंदर ट्यूमर होना भी आपके पैरालिसिस का एक कारण बन सकता है। रोक दो, ठीक है। तो अब हमने ये देखा कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। सिम्टम्स में क्या होगा, सिम्टम्स में क्या होगा कि आपका शरीर का कोई हिस्सा आपके मुताबिक काम नहीं कर पा रहा है, हाथ हो सकता है, पैर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी पार्ट, यानी कि जिस भी हिस्से में हमारी ब्रेन है, ब्रेन के अंदर सेरिब्रम है, सेरिब्रम के अंदर वो बहुत सारे अलग 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 पार्ट हैं जहाँ से हमारी बॉडी कंट्रोल होती है। विजुअल एरिया है, मोटर एरिया है, स्पीच मोटर एरिया है, सेंसरी एरिया है, हेयरिंग एरिया है, है ना, रिस्पॉन्स का एरिया है, हाथों का एरिया है, सुनने का एरिया है, सोचने का एरिया है, है ना, बहुत सारे सेंटर हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं। हम ऐसा नर्वस सिस्टम के चैप्टर में पढ़ते हैं और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ब्रेन के अंदर बहुत सारे सिस्टम हैं, यानी कि बहुत सारे केंद्र हैं जहाँ से पूरी बॉडी को कंट्रोल किया जाता है। तो ये आपके सिम्टम्स के तौर पर आपके शरीर का कोई भी हिस्सा अगर आपके मुताबिक काम नहीं कर पा रहा है तो वो पैरालिसिस का एक कारण है, यानी कि पैरालिसिस की वजह से वो हिस्सा आपके कंट्रोल से अब बाहर हो गया है। अब इसमें डाइट और एक्सरसाइज को समझ लेते हैं। देखिए, डाइट और एक्सरसाइज को हमें ये ध्यान करना है कि वजह क्या है, उस वजह को ध्यान में रखते हुए आपको डाइट में चेंज करना है, उस वजह को ध्यान में रखते हुए आपको एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ब्रेन से रिलेटेड आपकी बीमारी है। तो डाइट में हमें ये ध्यान करना है, जैसे मैंने आपको कारण बताया, हाई बीपी की वजह से अगर पैरालिसिस है तो आपको नमकीन चीजों का परहेज करना चाहिए, नमक का परहेज करना चाहिए, बहुत ज्यादा तला हुआ भुना हुआ आपको चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये आपके हाई बीपी का कारण बन सकता है। इसके बाद क्लॉटिंग है, तो क्लॉटिंग में हमें ये ध्यान करना है कि क्लॉट को डिजॉल्व करने के लिए कौन सी डाइट हो सकती है, तो खून पतला करने के लिए जो जो चीज़ें हमारे डाइट में है, जैसे लौकी है, घिया है, तोरी है, टिंडे हैं, ये हमारे ब्लड को थिन करने वाली सारी वेजिटेबल्स हैं, तो इनका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। अर्जुन की छाल आपने सुना होगा, काली मिर्च का इस्तेमाल, लौंग का इस्तेमाल, हमारे घर में जो गर्म मसाले में जितनी भी चीज़ें डलती हैं ये सब हमारे ब्लड थिनर का काम करती हैं, है ना। तो ये ब्लड थिनर के रूप में हम इनका डाइट का इस्तेमाल करें, बहुत ज्यादा हैवी डाइट ना लें, राजमा, कड़ी, उड़द की दाल, इन चीजों से परहेज करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके क्लॉटिंग में आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से हुआ है अगर पैरालिसिस, तो विटामिन्स वाली चीजें खानी है, स्प्राउट्स खाने हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, मौसम में आने वाले फल खाने हैं, सलाद खाने हैं, सब्जियां खानी हैं और दालों का इस्तेमाल करना है, यानी कि विटामिन्स की डेफिशिएंसी अगर आपको कंप्लीट करनी है तो हर तरीके के फल, सब्जी, सलाद आपको यूज करने चाहिए, और खासतौर से जो मौसम के अनुसार आते हैं उनका इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो विटामिन्स धीरे धीरे आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे और विटामिन्स की डेफिशिएंसी से होने वाले पैरालिसिस में मदद मिलेगी। डायबिटीज की वजह से अगर पैरालिसिस हुआ है तो स्वाभाविक है कि आपको शुगर को कंट्रोल करने की जरूरत है, यानी कि आपके शुगर के लेवल को मेंटेन करने की जरूरत है, तो उस समय पर हमें शुगर को मेंटेन करने के लिए लो शुगर या शुगर फ्री वाली चीजें या नेचुरल शुगर वाली चीजें को इस्तेमाल करना है, यानी कि आपको आर्टिफिशियल शुगर का इस्तेमाल नहीं करना है, बाहर से बनी हुई मीठी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको कुछ मीठा खाना है तो आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, आप अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मीठे फल का इस्तेमाल कर सकते हो जो नेचुरल तरीके से पकाए जाते हैं, खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मीठेपन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल वहीं आपका जो बाहर की मिठाइयाँ हैं वो आपको नुकसान करेंगी, तो शुगर को हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसमें अगर हम देखें तो एक्सीडेंटल केसेस में डाइट का कोई रोल नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंटल तो अचानक से होने वाला पैरालिसिस है, लेकिन फिर भी हमें उन चीज़ों का परहेज करना है जो उस घाव को हील करने में आपको खराब कर सकते हैं या जो मदद कर सकते हैं, खराब करते हैं आपको बादी की चीज़ें आपकी हील करने की प्रोसेस को स्लो करती हैं, बादी की चीज़ें
खट्टी चीजें ये आपके किसी चोट को इंजरी को हील करने में खराब करती हैं, यानी कि उसको रुकावट करती हैं, तो खट्टी चीजों को परहेज करना है अगर इंजरी का केस है। अब हील करने में कौन सी चीजें मदद करती हैं, तो उसमें आपको हल्दी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आप उस समय पर उन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हीलअप करने में एंटीऑक्सीडेंट है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती हैं, बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करती हैं, उन चीजों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ट्यूमर में आपको क्या इस्तेमाल करना है और क्या नहीं करना है, तो ट्यूमर में आपको ध्यान करना है कि ब्लड को थिन करने वाली चीजों का ही इस्तेमाल हम करेंगे, कोई चीज ऐसी इस्तेमाल ना करें जिससे कि हमारी इम्यूनिटी पावर कमजोर हो, क्योंकि ट्यूमर से लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी ही काम आएगी। तो ट्यूमर की सेल को कौन डैमेज करेगा, कौन खत्म करेगा, हमारी इम्यूनिटी करेगी। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाली चीजें खानी है और जो इम्यूनिटी को खराब करें उन चीजों का परहेज करना है। तो डाइट में और एक्सरसाइज में हमें उस हिस्से के पार्ट को, यानी कि जो डैमेज हुआ पार्ट है, उसकी फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो प्रॉपर हो तो हमें प्राणायाम करना चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए, कपालभाति करना चाहिए, भस्त्रिका करना चाहिए, भ्रामरी करना चाहिए और ओम का उच्चारण करना चाहिए। भ्रामरी से आपके ब्रेन को वाइब्रेशन मिलती है, तो भ्रामरी और ओम के उच्चारण से आपके ब्रेन को वाइब्रेशन मिलती है, तो ब्रेन में कोई क्लॉट है, कोई डैमेज है, उसमें हीलअप करने में आपको योगा हेल्प करेगा। फिजिकल एक्सरसाइज के तौर पर हम उस पार्ट की एक्सरसाइज करेंगे जो डैमेज है। अगर हाथ काम नहीं कर रहा तो इसकी हाथ की एक्सरसाइज करनी है, पैर काम नहीं कर रहा तो पैर की एक्सरसाइज करनी है, और अगर कोई पार्ट काम नहीं कर रहा है तो वहाँ क्लॉकवाइज, जैसे न्यूरोथेरेपी में हमारा पैरालिसिस क्लॉकवाइज एक पॉइंट है, हमारी न्यूरोथेरेपी में शुक्ला का एक ट्रीटमेंट है, तो ये दोनों ही ट्रीटमेंट पैरालिसिस के पेशेंट को दिए जाते हैं। अगर हम बात करें न्यूरोथेरेपी के रोल में, तो न्यूरोथेरेपी आपके इन सभी कारणों पर ट्रीटमेंट देना जानती है। आपके पैरालिसिस में जो भी कारण है, जिस भी वजह से पैरालिसिस हुआ है, उन सब पर काम कर सकती है। जैसे हाई बीपी का ट्रीटमेंट हमारे पास अच्छा है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। क्लॉटिंग को डिजॉल्व करने के लिए पास हमारे पास ट्रीटमेंट है। विटामिन्स की डेफिशिएंसी को, विटामिन्स को एब्जॉर्ब कराने के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट है। आपके पेट के सिस्टम को ठीक रखने का ट्रीटमेंट है कि आपका पेट का सिस्टम ठीक काम करे और विटामिन्स आपको एब्जॉर्ब हों। डायबिटीज को कंट्रोल करने वाले ट्रीटमेंट्स हमारे पास हैं। एक्सीडेंट इंजरी को ठीक करने वाले हमारे ट्रीटमेंट्स हैं, यानी कि हमारी जो इंजरी हो गई है, इंजरी को हील करने वाले ट्रीटमेंट्स हमारे पास हैं, और ट्यूमर का साइज को छोटा करने के लिए भी हमारे पास ट्रीटमेंट है कि हम उसके साइज को छोटा करें, वो आगे ना बढ़े, ये भी देखें। तो इस तरीके से जो भी हमारे पास कारण है, उन कारण पर न्यूरोथेरेपी काम करती है। और हमने ये देखा है कि बहुत सारे पेशेंट जो पैरालिसिस के हैं, न्यूरोथेरेपी से ठीक हुए हैं। इनमें से बहुत सारे सभी कारणों पर हमने काम किया है। हाई बीपी के पेशेंट अगर पैरालिसिस के शिकार हो गए हैं तो उस पर भी काम करके उन्हें ठीक करा है, क्लॉटिंग के पैरालिसिस को भी ठीक करा है, विटामिन्स की डेफिशिएंसी से होने वाले पैरालिसिस को भी ठीक किया है, डायबिटीज की वजह से होने वाले पैरालिसिस को भी ठीक किया है, एक्सीडेंटल केस में भी काम किया है, और ट्यूमर के केसेस में भी ट्यूमर के साइज को, अगर शुरुआती दौर में जब वो शुरुआत है और उस समय आइडेंटिफाई हो जाता है, तो ट्यूमर के साइज को भी हम कम कर सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि वो आपको कब पता चला है। अगर वो ट्यूमर ही तब पता चला है जब बहुत बड़ा एरिया हो गया, कवर हो गया है, तो फिर उस समय पर बहुत ज़्यादा मदद करना मुश्किल है। लेकिन शुरुआती दौर में वो माइल्ड है, छोटी सी गांठ है, अभी उसका इफेक्ट आना शुरू ही हुआ है, तुरंत आपको पता चल गया है, तो उस केसेस में हम ट्यूमर के साइज को भी छोटा कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारे न्यूरोथेरेपी केसेस में हमने देखा है। तो न्यूरोथेरेपी आपके कारण को ध्यान में रखते हुए, आपके कारण को के हिसाब से ट्रीटमेंट चेंज हो सकते हैं। सभी कारण पर हमारा ट्रीटमेंट है, तो न्यूरोथेरेपी से हम पैरालिसिस के पेशेंट में ज़्यादा कामयाब हैं कंपेयर टू मॉडर्न साइंस, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी तक जितनी भी दवाइयाँ ब्रेन के ऊपर बनाई गई हैं, उसका कुछ ही परसेंट हमारे ब्रेन के अंदर जा सकता है, आधे से ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ तो हमारी वेस्टेज ही हो जाती हैं, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर सिस्टम, जो हमारी खुद का ब्रेन का सिस्टम है, ब्लड ब्रेन बैरियर के सिस्टम के कारण से हमारी बाहर की मेडिसिन ब्रेन के अंदर नहीं जा सकती, और जब ब्रेन के अंदर दवाइयाँ नहीं जाएंगी तो उस बीमारी के कारण को कैसे ठीक करेंगी। न्यूरोथेरेपी
बॉडी के अंदर ही उन केमिकल्स को, उन दवाइयों को बनाना जानता है। न्यूरोथेरेपी में कोई भी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं है, किसी भी आपका मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं है और किसी भी तरीके का कोई सप्लीमेंट नहीं है। तो हम 101% नेचुरल तरीके से बॉडी के अंदर ही उन मेडिसिन को बनाकर बॉडी के अंदर आई हुई बीमारी का इलाज करते हैं। स्लो हो सकता है लेकिन पेशेंस के साथ अगर हम पेशेंट ट्रीटमेंट लेगा तो 101% ठीक होने के चांसेस भी न्यूरोथेरेपी के माध्यम से है। जबकि अगर हम दूसरी थेरेपीज में देखें तो पेशेंट सालों साल ट्रीटमेंट लेता रहता है, सालों साल हमारे पास सालों के बाद में आता है कि 10 साल से पैरालिसिस है, 5 साल से पैरालिसिस है, 3 साल से पैरालिसिस है, और उस कंडीशन में भी न्यूरोथेरेपी आपको निराश नहीं करती है। कहीं ना कहीं वहाँ से आपको नई शुरुआत कर कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर देती है। अब वो रिजल्ट 101% भी हो सकता है, 90% भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है, या 30-40% भी हो सकता है। डिपेंड आपके केस के ऊपर, आपकी उम्र के ऊपर, आपके कितना क्रॉनिक केस है, कितना पुराना केस है, इस पर डिपेंड करता है। तो न्यूरोथेरेपी पैरालिसिस के सभी तरीके के केसेस पर काम करती है और अच्छे रिजल्ट्स भी न्यूरोथेरेपी के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं।